नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जहां एक और बुधवार को बाबरी विध्वंस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया, वहीं दूसरी ओर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने की याचिका सिविल कोर्ट ने बुधवार को ही खारिज कर दी। मथुरा सिविल कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि पर दावे की याचिका स्वीकार नहीं की है। कोर्ट ने कहा कि याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के पुख्ता आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले का निपटारा 1968 में ही हो चुका है, इसलिए अब याचिका दायर करने का कोई औचित्य नहीं बनता। बुधवार को याचिकाकर्ता एडवोकेट विष्णु जैन, हरिशंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में पहुंचकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने बुधवार की सुनवाई में ही श्री कृष्ण जन्म स्थान और कटरा केशव देव परिसर में भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनाए जाने से संबंधित इतिहास का सिलसिलेवार ब्यौरा देते हुए कहा कि श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान को शाही ईदगाह प्रबंधन समिति से किसी भी प्रकार का कोई हक ही नहीं था। याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद श्री कृष्ण जन्म स्थान विवाद मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सभी धर्मस्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली रखी जानी है। इस कानून में सिर्फ अयोध्या मामले को अपवाद रखा गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।